यार आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Realme के कौन कौन से स्मार्टफोन में Realme UI 2.0 या फिर सेकंड मंथ 2021 सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा Realme तरफ से। दिन फर्स्ट ऑफ फॉल हमारे डिवाइस के लिस्ट में सबसे पहला फोन है Realme 7 का। Realme 7 डिवाइस में Realme UI का न्यू अपडेट मार्च 2021 के फर्स्ट वीक में प्रोवाइड किया जाएगा Realme तरफ से। हालांकि वहीं पे बात करें Realme UI 2.0 सेकंड बैच बीटा अपडेट ओपन बीटा अपडेट के बारे में, तो ये अपडेट आपके डिवाइस में 15 फरवरी के आसपास में देखने को मिल सकता है। देन अगला क्वेश्चन है हमारा Realme फिक्स डिवाइस में Realme UI 2.0 ओपन बीटा अपडेट कब तक प्रोवाइड किया जाएगा Realme तरफ से। देन जो मेनो में भी शायद आपको पता होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था Realme फिक्स डिवाइस में Realme UI 2.0 सेकंड बैच बीटा अपडेट अप्रॉक्स 10 फरवरी के आसपास में प्रोवाइड कर दिया जाएगा Realme तरफ से। देन ये अपडेट हमारे डिवाइस में 10 फरवरी के पहले पहले देखने को मिल गया। एंड बात की जाए ओपन बीटा अपडेट के बारे में, तो मेरा आंसर रहेगा लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ, बट यार उससे पहले आपके डिवाइस में एक न्यू सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा जिसमें आपको फरवरी 2021 सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। एंड फी के साथ ही साथ आपके डिवाइस के परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा इम्प्रूव किया जाएगा Realme तरफ से। एंड वही पे अगला फोन है हमारा Realme 7 Pro का। तो भैया Realme 7 Pro डिवाइस में आपको इसी मंथ के लास्ट तक एक ओपन बीटा बैच मिलेगा। एंड फिर आपके डिवाइस में मार्च 2021 में Realme UI 2.0 का स्टेबल अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा Realme तरफ से। फोबियक्टो स्टेडियन विथ एंड्रॉइड सपोर्ट ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि यार वहाँ पे प्रॉफ 3000 यूजर एक्टिव रहते हैं, तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन से फोन में कौन सा अपडेट देखने को मिल रहा है। एंड आप भी अपने फोन के फिटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट में जा करके बीटा फॉर्म या फिर बीटा अपडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपके डिवाइस में Realme UI 2.0 बीटा अपडेट प्राप्त होने में काफी ज्यादा आसानी होगी। अब वहीं पे बात करें Realme X2 Pro डिवाइस के बारे में, इसमें सेकंड बैच का मिलेगा एंड सेकंड बैच के साथ ही साथ सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा या फिर नहीं, तो भैया आपके डिवाइस में इस मंथ में कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा लाइक दैट सिक्योरिटी पैच अपडेट। बट यार Realme UI 2.0 का ओपन बीटा अपडेट फिर से प्रोवाइड किया जाएगा आपके डिवाइस में, जो कि मे बी मेरे हिसाब से लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ के आसपास में रहेगा। जिनके डिवाइस में अभी भी Realme UI 2.0 अपडेट नहीं मिला, उनको अब थोड़ा सा लंबा वेट करना होगा Realme UI 2.0 बीटा अपडेट प्राप्त करने के लिए। अब वहीं पे बात करें Realme 6 Pro डिवाइस में Realme UI 2.0 अगला बैच अपडेट कब तक प्रोवाइड किया जाएगा Realme तरफ से, तो भैया ये भी अपडेट आपके डिवाइस में अप्रॉक्स मिड फरवरी के आसपास में प्रोवाइड हो सकता है Realme तरफ से। हालांकि कोई कंफर्म नहीं है Realme 6 Pro डिवाइस के बारे में, बट मे बी अप्रॉक्सिमेटली ये अपडेट आपके डिवाइस में मिल सकता है। अब वहीं पे बात करें Realme C12 एंड C15 के बारे में, तो भैया Realme C12 एंड C15 के डिवाइस में Realme UI 2.0 सेकंड बैच बीटा बिट अप्रॉक्स 15 फरवरी के आसपास में प्रोवाइड कर दिया जा सकता है Realme तरफ से, जो कि नॉर्मली एक सेकंड बैच बीटा बिट रहेगा। एंड ओपन बीटा अपडेट आपके डिवाइस में मे बी मार्च 2021 के फर्स्ट वीक के आसपास में प्रोवाइड किया जाएगा Realme तरफ से। एंड Realme C12 एंड C15 डिवाइस में फरवरी 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मिलेगा। हालांकि अगर आपका क्वेश्चन है कि भाई हमारे डिवाइस में Realme UI 2.0 का अपडेट मिलना चाहिए, तो भैया मैं आपको बता दूं अभी तक Realme UI 2.0 या फिर Android 11 का अपडेट स्टेबल नहीं हुआ है। तो भैया यहाँ पे आपके डिवाइस में कुछ ही यूजर के डिवाइस में 2.0 का बीटा अपडेट मिलेगा। आपको पता है बीटा अपडेट है तो लिमिटेड कोटाज के साथ में प्रोवाइड होगा। एंड लिमिटेड रहेगा तो कुछ ही यूजर के डिवाइस में 2.0 का बीटा सपोर्ट मिलेगा। एंड जिनके डिवाइस में 2.0 का अपडेट नहीं मिलेगा, उनके डिवाइस में एक सिक्योरिटी पैच अपडेट तो नॉर्मली सा चाहिए। तो मे बी आपके हिसाब से या फिर मेरे हिसाब से यहाँ पे जो भी कन्फ्यूजन था आपके माइंड में, वो सब कुछ खत्म हो गया होगा। एंड Realme Narzo 20 एंड Narzo 20 Pro के डिवाइस में इस मंथ में Narzo 20 Pro में आपको सेकंड बैच बीटा अपडेट देखने को मिल जाएगा अप्रॉक्स मिड फरवरी के आस पास तक, मतलब उसके बाद ही में। एंड मार्च 2021 में आपको ओपन बीटा सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड Realme Narzo 20 डिवाइस में Realme UI 2.0 ओपन बीटा अपडेट आपको इसी मंथ के लास्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा। एंड फिर आपके डिवाइस में मार्च 2021 में Realme UI 2.0 स्टेबल अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा Realme तरफ से। एंड उसी के साथ ही साथ जिनका फोन अभी भी Android 10 में रन कर रहा है, उनके डिवाइस में नॉर्मली एक सिक्योरिटी पैच अपडेट प्राप्त होगा, जो कि मे बी मार्च 2021 तक प्रोवाइड किया जाएगा Realme तरफ से। एंड यार इसी के साथ ही साथ मुझे कुछ ऐसा लग रहा है ना कि Realme के जो भी स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं फिलहाल रिसेंटली में,
जो स्मार्टफोन यहाँ पे 6 महीने पुराने हो जाते हैं उन डिवाइसों में अगले मंथ के फर्स्ट वीक में अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो हमारा मंथ चल रहा है सेकंड, तो यहाँ पे मार्च 2020 फर्स्ट के फर्स्ट वीक में अपडेट प्रोवाइड होगा। हर मंथ का सिक्योरिटी पैच मिलेगा बट अगले हफ्ते में मिलेगा, जैसे कि ओप्पो करता है। एंडफी के फाती फार जिनका फ़ोन 1 साल से ज़्यादा पुराना हो जाता है, ये तो आपको पता होगा, जिनका फ़ोन 1 साल से ज़्यादा पुराना हो जाता है उसमें बाई मंथली अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा। रियलमी तरफ मतलब 1 मंथ में अपडेट मिलेगा एंड 1 मंथ में अपडेट नहीं मिलेगा। लाइक दैट रियलमी 3 प्रो, 5 प्रो, रियलमी X50 एंड रियलमी 3 3i एंड काफ़ी सारे स्मार्टफोन 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, देन इसमें बाई मंथली अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा रियलमी तरफ। देन दैट्स इट एंड बहुत सारा थैंक्स, मे बी हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई आपको जरूर से समझ में आ गया होगा, वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा।